ऑलराइट, सो हमने लास्ट लेक्चर में ओम्स लॉ तक कवर कर लिया था. हमने कई सारी चीजें लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी. हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया था, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन होता है. देन वी डिफाइन अ न्यू वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड करंट डेंसिटी. हमने करंट डेंसिटी डिफाइन की थी और हमने आखिरी में अल्टीमेटली करंट डेंसिटी को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया था. हमने ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, हमने कहा था हम जूनियर क्लासेस में ओम्स लॉ को एक और फॉर्म में देखते हैं जिसको अब हम डिराइव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. बट ओम्स लॉ का हमने एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म डिराइव किया था विच केम आउट एज जे इक्वल टू सिग्मा ई, जिसमें हमने सिग्मा को डिफाइन किया था कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. हमने सिग्मा को डिफाइन किया था कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल और हमने यहां पर ये कहा था दैट दिस कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी, इज द फैक्टर विच एक्चुअली डिसाइड्स वेदर अ मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर, इज इट एन इंसुलेटर और इज इट अ सेमी कंडक्टर. कोई भी मटेरियल कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये जो है ये सिग्मा कंडक्टिविटी डिफाइन करती है. ठीक है, नाउ हमने कहा था ये जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ का. That is, it is applicable at each and every point inside the conductor. ये conductor के अंदर किसी भी point पर apply किया जा सकता है, applicable होता है. Now, we want to derive this Ohm's law in a macroscopic form. मतलब जब हम conductor को as a whole, ठीक है, पूरे conductor को एक साथ जब हम study करें, ठीक है, उसके एक एक पार्टिकल को, एक एक पॉइंट को सेपरेटली नहीं, पूरे कंडक्टर को एक साथ जब हम वहां स्टडी करें, एनालाइज करें, तो हमें क्या रिलेशनशिप मिलती है, तो हमें वहां पर क्या फैक्टर्स मिलते हैं जिन पर करंट डिपेंड करता है. ठीक है, सिग्मा का हमने रिलेशन भी लिखा हुआ है, सिग्मा का फॉर्मूला भी है हमारे पास. इट केम आउट टू बी एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम, वेयर small n is the number of free electrons per unit volume, e is the charge on each electron, tau is the mean relaxation time, m is the mass of electron. ठीक है, यहीं से अब हम continue करते हैं. We want to analyze, we want to study the macroscopic form of Ohm's law. अब हम क्या प्रोसेस कर रहे थे, हमने कहा था हम किसी कंडक्टर पर, किसी कंडक्टर के अंदर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू विच अ करंट डेंसिटी डेवलप्ड इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट डेंसिटी डेवलप हो गई थी. नाउ वी से दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी अज्यूम्ड यूनिफॉर्म, इसे हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करना है. नाउ इफ अ फील्ड इज यूनिफॉर्म, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रिलेशन बताया हुआ है, वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, बता सकते हैं. नाउ हम यहां पर उसी फॉर्मूले को, उसी रिलेशन को यूज करके
इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, इसको मैं P और Q बोल दूं, ठीक है, एंड लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी L, इट्स यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है, उसका कुछ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, हम रिलेशन जो यूज करने जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं दो पॉइंट्स जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं, और जो रिलेशन होता है हमने वो रिलेशन डिराइव किया होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और वो रिलेशन इस तरह से होता है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है, वेक्टर्स में लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल जो है उसका ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है वहां पे, P will be at a higher potential, Q will be at a lower potential. The potential difference between these two points will be equal to E into L. The potential difference between P and Q will be V equal to E into L. The potential difference between the two terminals, the two end points of this conductor, it can be given by E into L. Okay. Now, हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में क्यों बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज जब हम मैक्रोस्कोपिक बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन मैक्रोस्कोपिक टर्म्स, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात करने के बजाय वोल्टेज के टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बात करेंगे, बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स विच वी हैव दे इजीली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस बताना बहुत सिंपल होता है. जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के लिए, जनरेटर्स होते हैं, हमारे पास बैटरीज होती है, उनमें भी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्पेसिफाइड होता है. सो इसीलिए हम यहां पर मैक्रोस्कोपिक फॉर्म जब ओम्स लॉ का बताने जा रहे हैं, वी वॉन्ट टू टॉक इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. ठीक है, दिस वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है. नाउ हम इस पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में अब ओम्स लॉ का लिखना शुरू करें. जे इज अगेन करंट डेंसिटी इज अगेन समथिंग विच इज अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही उसका सिग्निफिकेंस होगा. किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी हम बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगेन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी रिलेटेड टू करंट डेंसिटी इज देयरफॉर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट. हम इलेक्ट्रिक करंट इजीली मेजर कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक टर्म्स में, हम हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे. उसमें भी हमें रिलेशन पता है, हमने कहा था
J can be written as I upon A, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, और स्पेसिफिकली इसी केस में अगर हम बात करें, ठीक है, द करंट इज स्टेडी, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, हम ऐसा ही कोई एरिया लेंगे जो इस करंट के परपेंडिकुलर हो, जो इस करंट के परपेंडिकुलर हो, ठीक। तो ये और ये वैल्यू अगर हम हमारे ओम्स लॉ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा वो देखें, हम J इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम, ये हमारे पास रिलेशन था, इनटू ई, ठीक है। अब मैं स्केलर टर्म्स में ही बात कर रहा हूं बिकॉज करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। J इक्वल टू आई अपॉन ए, J इक्वल टू आई अपॉन ए एंड ये ब्रैकेट वाला फैक्टर तो ऐसा का ऐसा, E इज इक्वल टू V अपॉन L, E जो है वो V अपॉन L है। ठीक है, नाउ इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें ताकि हमें हर टर्म का क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो क्लियरली दिखने लगे, समझ में आने लगे। ठीक है, मैं इस चीज को अरेंज करता हूं, रीअरेंज करता हूं थोड़ा सा, एंड जो इक्वेशन है वो हमें कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। I equal to n e square tau upon m into a upon l into v, ठीक है सब कुछ प्रोडक्ट में ही। मैंने इस तरह से इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को क्यों लिखा है उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, हमने मैंने यहां पर जानबूझकर इस चीज को ब्रेक कर करके इस तरह से अलग अलग टर्म्स में क्यों लिखा है, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस, एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट डिपेंडेंस, हर चीज का एक अलग सिग्निफिकेंस है, हर चीज का एक अलग डिपेंडेंस होगा यहां पर। दिस फैक्टर, ये जो फैक्टर है यहां पे, ये जो फैक्टर है एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम, ये हम बता चुके हैं डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये जो फैक्टर है ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगा और किसी पर नहीं करेगा। मटेरियल एंड टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ गिवन मटेरियल दिस फैक्टर विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, A अपॉन L, ये जो हमें टर्म दिख रहा है, A अपॉन L ये जो हमें टर्म दिख रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा? दिस विल ओनली डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ये केवल कंडक्टर के शेप साइज पर डिपेंड करेगा। It will depend on the shape and size of conductor. V, जो भी हमने voltage लगाया, जो भी हमने potential difference लगाया, it will depend on the source. ये सिर्फ और सिर्फ source पर depend करेगा.
और वी कैन से इट इज द कॉज, यही वो कॉज है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है. जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज द कॉज ड्यू टू विच अ करंट डेंसिटी वॉज डेवलप्ड, उसी तरह से यहां पर यही पोटेंशियल डिफरेंस वो कॉज है जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा. ठीक है. नाउ इस जगह पर कई बार जो है इस जगह पर इसे इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, कई बार इस कांस्टेंट को इस जगह पर ले जाकर भी लिखा जाता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट कि कॉज कौन है और इफेक्ट कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉज है या करंट कॉज है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से करंट फ्लो होता है या करंट के फ्लो होने से पोटेंशियल डिफरेंस आता है. इट इज लाइक पहले मुर्गी आई या अंडा. ठीक है, बिकॉज अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हुआ तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, या हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो करंट फ्लो होना चालू हुआ. ठीक है, तो हम यहां पर इसे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो हम I इक्वल टू दिस कॉन्स्टेंट इन टू V ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम इसे V इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू एल अपॉन ए इंटू आई ऐसा भी लिख सकते हैं. किसी भी फॉर्म में हम इसे लिखे. ठीक है, नाउ ये बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में जो पूरा टर्म लिखा है, इस टर्म को हम कांस्टेंट बोल देंगे फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर दिस टर्म दिस क्वांटिटी शुड रिमेन कांस्टेंट. ये जो पूरा फैक्टर है ये कांस्टेंट रहना चाहिए. अब फिर से इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज कांस्टेंट है. ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज कांस्टेंट है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये चीज हम समझे. यही फैक्टर डिसाइड करेगा कि सेम वोल्टेज लगाने पर अलग अलग मटेरियल में हमें करंट कितना मिलता है. If this factor is large for a material, for an object, then current will be low because हम potential difference constant लगा रहे हैं. अगर ये factor कम है तो current ज्यादा होगा. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम दो objects में अगर comparison करें, we are applying the same voltage on two different objects, two different मटेरियल्स. जिसके लिए ये फैक्टर ज्यादा होगा उसके लिए करंट कम होगा, जिसके लिए फैक्टर कम होगा उसके लिए करंट ज्यादा होगा. ठीक है, तो हम यहां पर ये ऑब्जर्वेशन देखते हुए, ये एनालिसिस देखते हुए हम इसे कुछ नाम दे देते हैं. हम इस ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म को कुछ नाम दे देते हैं. वी कॉल इट रेजिस्टेंस. हम इसे ऑब्जेक्ट की, मटेरियल की रेजिस्टेंस बोल लेते हैं. व्हाई रेजिस्टेंस? बिकॉज ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा. सो वी से दैट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. ये जो टर्म यहां लिखा है ये करंट के फ्लो को अपोज करता है. एंड द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ
ओम्स लॉ। This is the macroscopic form of Ohm's law. V equal to IR, where R is called the resistance of the object. R is called the resistance of the object, which is the property which opposes flow of electric current. Property of an object, property of a conductor, which opposes flow of electric current. हम यहां कंडक्टर वर्ड ना यूज करें बिकॉज दिस प्रॉपर्टी कैन डेफिनेटली बी एक्सटेंडेड टू एनी मटेरियल। इसको हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर किसी के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो वी शुड रादर से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नाउ जिस तरह से हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से इसे रिलेट करते हुए हैं, हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है। ठीक है, जैसे हमें कंडक्टिविटी का रिलेशन मिला था, वैसे ही यहां रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। इट विल बी एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू एल अपॉन ए। Now notice that this factor, ये factor जो है ये actually किसी भी material के लिए constant होगा, और अगर हम ध्यान दें तो ये 1 upon sigma ही लिखा हुआ है, ये 1 upon sigma लिखा हुआ है। Still we give it a new name, हम इसे एक नया नाम दे देते हैं, हम resistance का formula इस तरह से लिख देते हैं, R is equal to rho L upon A, where rho is defined as resistivity of the material ठीक है। अब rho जो है ये सिर्फ material और उसके temperature पर depend करेगा, it will be dependent on material and temperature। ये बात बिल्कुल obvious है because रो जो है वो 1 upon sigma के इक्वल है, रो जो है वो 1 upon sigma के इक्वल हमें दिख रहा है। सिग्मा जो है वो मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट था, देयरफॉर डेफिनेटली रो ऑल्सो हैज द सेम डिपेंडेंस, रो में भी जो है सेम डिपेंडेंस होगा। ठीक है, सो ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, यहां पर जो ये कांस्टेंट आ रहा है ये हमें बता रहा है कि कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट करंट को कितना रेजिस्ट करेगा, कितना अपोज करेगा। हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मोर इज द अपोजिशन टू करंट, लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करिए वो फॉर्मूले से बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, it is directly proportional to length of the conductor, it is inversely proportional to area of cross section। formula se apne aap hi wo sari cheeze hame dikhne lagti hai, resistance ka dependence hame dikhne lagta hai। theek hai, it depends on material, it depends on length of the conductor or the material, R is directly proportional to L, it depends on area of cross section, since is inversely proportional to area of cross section।
हम उसे वोल्टेज और करंट से डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेटली इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी. करंट सॉरी रेजिस्टेंस डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, या एक चीज और लिख ले, रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी को एक और नाम भी दिया जाता है, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. जैसे कंडक्टिविटी को हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल दिया था, सिमिलरली रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है. ठीक है, अब हम एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं जो हमने कंडक्टिविटी में स्किप कर दिया था. कंडक्टिविटी की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट, इन सभी चीजों की यूनिट हम डिफाइन करते हैं. कंडक्टिविटी में हमने उसे स्किप कर दिया था बिकॉज जो यूनिट होती है वो रेजिस्टेंस से ही डिफाइन होती है. हम रेजिस्टेंस की यूनिट से ही उसकी यूनिट्स को डिफाइन करते हैं. हम एक बार सारी चीजों की यूनिट्स देख लें. सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की ही यूनिट को डिफाइन करते हैं. यहां से रेजिस्टेंस की यूनिट जो हमें दिखेगी इट विल बी वोल्ट अपॉन एम्पियर. वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम डिफाइन कर दिया जाता है. ठीक है, इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के ही नाम पर कैपिटल ओमेगा से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओम इस यूनिट का नाम हो जाता है. ठीक है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. अगेन हम यहां पर कहीं पे भी कभी भी सीजीएस यूनिट्स यूज नहीं करते. वी रादर यूज किलो ओम्स, मेगा ओम्स, मिली ओम्स. ठीक है, हम इस तरह की यूनिट्स यूज करना यहां प्रेफर करते हैं. रेजिस्टेंस की यूनिट से ही रेजिस्टिविटी की यूनिट डिफाइन हो जाएगी. रेजिस्टिविटी की यूनिट हम देख ले, ओम इंटू मीटर स्क्वेयर अपॉन मीटर. ओम इंटू मीटर स्क्वेयर अपॉन मीटर, तो हमें यहां रेजिस्टिविटी की यूनिट भी मिल जाती है. इट विल बी ओम मीटर, वो जो है ओम मीटर हो जाएगी. रेजिस्टिविटी की यूनिट से ही अब हम कंडक्टिविटी की यूनिट डिफाइन कर सकते हैं. कंडक्टिविटी की यूनिट डिफाइन हो जाएगी रेजिस्टेंस की उल्टी. रेजिस्टेंस का ही इनवर्स जो है वो कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को इस तरह से भी लिख दिया जाता है, मो पर मीटर. ओम का उल्टा करके ओ एच एम का उल्टा करके एम एच ओ कर दिया. और कंडक्टिविटी की यूनिट को हम इस तरह से मो पर मीटर, एम एच ओ मो पर मीटर, ओम का उल्टा लिख दिया हमने और इस तरह से कर दिया. ठीक है, मो की जगह यहां पर एक और यूनिट भी यूज की जाती है. हम ओम इनवर्स को, ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी लिखते हैं. ठीक है, ओम इनवर्स को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं.
ये एक और यूनिट लिखी जाती है, जिससे सिग्मा की यूनिट जो है वो हो जाएगी सीमेन पर मीटर, ठीक है, सीमेंस पर मीटर, कैपिटल एस अपॉन एम। ठीक है, इनफैक्ट हम जैसे रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी बता रहे हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस का इन्वर्स जो है वो कंडक्टेंस डिफाइन कर दिया जाता है। रेजिस्टेंस के इन्वर्स को हम कंडक्टेंस डिफाइन कर देते हैं, कैपिटल जी से उसे डिनोट करते हैं, एंड इट इज नथिंग बट 1/r। तो जी की जो यूनिट है, कंडक्टेंस की जो यूनिट है, वो सीमेंस हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी बता रहे हैं, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, वैसे ही रेजिस्टेंस का इन्वर्स जो है वो कंडक्टेंस डिफाइन कर दिया जाता है। So, इस तरह से हम ओम्स लॉ का एक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म डिफाइन करते हैं, उसका एक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म यहां डिफाइन करते हैं, एंड यही फॉर्म जनरली यूज किया जाएगा थ्योरी में, क्वेश्चंस में। जे इक्वल टू सिग्मा ई जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हमने बताया है, इसका रेयरली हम कहीं पर यूज करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली हमें जो है सर्किट सॉल्व करने होते हैं, हमारे पास डिवाइसेज होंगे, कंडक्टर्स होंगे, उन्हें हमेशा हमें एक मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना होता है। ठीक है, सो मोस्टली हम यही फॉर्म यूज करेंगे, हम हमेशा उसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ही यूज कर रहे होंगे ओम्स लॉ का। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो है वो रेयरली कभी यूज किया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम अब कंडक्टर से रिलेटेड कई सारी और टर्म्स, कई सारी और चीजें यहां पर देख लेते हैं। हम ये अब समझ रहे हैं यहां पे, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रोल द करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, करंट जो है वो किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर उसका क्या डिपेंडेंस है। ठीक है, और अल्टीमेटली मटेरियल की खुद की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं उसकी रेजिस्टेंस को, उसकी कंडक्टेंस को, मतलब वो करंट को अलाउ करे ना करे, कितना अलाउ करता है, कौन ज्यादा अलाउ करेगा, कौन कम अलाउ करेगा, ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स इन फॉर्मूले में आ जाते हैं। ठीक है, इन रिलेशंस में, ठीक है, इन तीन रिलेशंस में वो सारी बातें इंक्लूड हो जाती हैं, आ जाती हैं। ठीक है, हम एक पार्ट और एनालाइज करते हैं, ये रो का जो डिपेंडेंस है ये किस तरह से होता है मटेरियल्स के लिए, किस तरह से होता है। सिंपल सी बात होगी, यहां पर जो भी हमने कंडक्टिविटी के लिए बताया था उसका इनवर्स ही होगा। ठीक है, जस्ट उसे एक बार रिकॉल कर ले और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस देखते हैं।